इधर भीषण गर्मी से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान है। बहराइच में दो तस्वीरें आई हैं, जहां पर देखेंगे आप इन दो तस्वीरों को तो आपको समझ आएगा कि गर्मी कितनी प्रचंड है और लोगों का हाल बुरा है। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान है। ये पहली तस्वीर में आप देखिए एक लंगूर जो भीषण गर्मी से परेशान होकर लगभग बेहोशी की हालत में पेड़ का सहारा लिए छांव में बैठा है। बंदर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बेसुध और इस भीषण गर्मी से परेशान है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे मानसिक रूप से कमजोर महिला गर्मी से बचने के लिए एटीएम में लगे हुए एसी में जाकर सो गई। बता दें आपको बहराइच में इन दिनों 44 के पार पारा पहुंच चुका है। गोरखपुर में भीषण गर्मी का असर परिवहन विभाग पर भी पड़ रहा है। बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का बुरा हाल है। गोरखपुर क्षेत्र से परिवहन निगम को 10 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आमदनी में गिरावट हुई है। भीषण गर्मी और उमस के चलते यात्री दोपहर में बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं, सुबह और रात के समय ही सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में जो एसी बसें हैं उनका किराया अधिक होने के चलते लोग एसी बसों से कम यात्रा कर रहे हैं, तो भारी नुकसान हो रहा है गोरखपुर परिवहन को। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से जो यात्री का पैटर्न है वो हमारे जो बसेस में सुबह और शाम में ज़्यादा रहते हैं और दोपहर में अनुमान सन्नाटा टाइप का रहता है। गर्मी की वजह से हमारी आय लगभग 10 लाख रुपए पर डे की हमारी गिरावट है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश फयाज के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और फिर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूट के 1,46,000 कैश, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को सैनी कोतवाली क्षेत्र में स्टम्प वेंडर के साथ 5,57,000 रुपये की लूट हुई थी। इस घटना में शामिल तीन बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दो बदमाश फरार चल रहे थे। इन दोनों को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो व्यक्ति फैयाज वहां आया और उसने पुलिस को देखते ही फायर किया। आत्मरक्षा चलाई गई गोली में पुलिस फैयाज घायल हुआ है। फिलहाल उसको उपचार के लिए यहाँ ले आए हैं और उससे जो भी बरामदगी करनी है उसके बारे में वहाँ हमारी फील्ड यूनिट है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। इसके पास से 1.315 बोर का तमंचा कारतूस मिला हुआ है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। खबर हरदोई से, जहां पर चोरों के गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से तमंचा, कारतूस, पिकअप और मवेशी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में दरोगा सहित तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अन्य चोरी की अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।